मेरा मकान तो होगा, मैं क्या मर हंगा, मर कोई को नहीं। अच्छा मकान में पानी जाएगी, पानी पड़को मकान हम बहुत भाई कड़े हुआ पानी हो जो पी पहाड़ी को पानी आओ ठेठ पहाड़ी ताई कोड़ी को पानी आओ। और पहले देखिए ग्रामीण बोल रहे हैं कि ठिकानों के समय से ये पुल यहाँ पे था और इसमें ऐसे एक दो और तीन तीन थे क्या नल के, चार एक तो ये यहाँ पर चार थे जो राजा जसवंत सिंह था ना उसकी टाइम की पुल है जी, उनकी बनाई हुई पुल है ये, बहुत पुरानी पुल है। अच्छा और हमने और अभी अभी ठेकेदार क्या बोलते हैं, ठेकेदार ये कहते हैं हमारे कागजों में नहीं है तो आपके कागजों में इसको बंद कर दो ना। इतनी क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ साइंस और इंग्लिश मीडियम स्कूल इंडियन शिक्षण संस्थान संस्कार स्कूल बढ़ाओ, जहाँ मिलता है बेस्ट रिजल्ट, होता है बच्चों का सर्वांगीण विकास और मिलता है हाई क्वालिफाइड स्टाफ का मार्गदर्शन। एडमिशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें या बढ़ाओ स्कूल कैंपस में पधारें। नमस्कार साथियों, इस वक्त मैं बात करूं तो खेत डिपेंड के करमाड़ी में इस वक्त मैं मौजूद हूं और जो मेन हाईवे है यहां पे मैं मौजूद हूं। और देखिए लगातार जिस प्रकार से पहली बारिश की शुरुआत ही हुई है और जगह जगह से समस्याएं मुंह बाए खड़ी हुई है और समस्याएं बाहर आ रही है। इसी कड़ी में बात करूँ तो करमाड़ी मेन जो हाईवे है वहाँ पर मैं खड़ा हूँ और काफ़ी जो ग्रामीण है यहाँ पर इकट्ठे हैं, युवा साथी हैं, क्या मामला है पूरी बातचीत करेंगे जिनको लेकर ये यहाँ पर खड़े हैं। देखिए जिस प्रकार से घटना क्या है पहले तो इस घटना के बारे में जानकारी लेंगे, क्या मामला है जी? मामला ये है सर, ये स्टेट हाईवे 13 है करमाड़ी पपना रोड जी, यहाँ पर काफी सालों पुराना ठिकाने के टाइम का पुलिया था और जब कंस्ट्रक्शन कंपनी काम कर रही थी यहाँ के ग्रामीणों ने ये भी कहा था कि ये पुलिया बनाए, अगर पुलिया नहीं बनाओगे तो ये सामने जो ये पहाड़ी देख रहे हो ना, पूरा पहाड़ा को पानी आगो और पानी आने से नुकसान हो सके, लेकिन कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला सीधी रोड बनाकर चलगा। पहले यहाँ पे था क्या पुलिया? हाँ बिल्कुल, ठिकाना का टाइम को पुलिया हो। अच्छा। और काल जब बरसात हुई तो 4 महीने पूरा पानी भर गो थो, अब ये सामने तो डीपी दिख रहे हो ना, स्कूल का सरकारी स्कूल का जो बच्चा ही ना वे जब स्कूल का बच्चा जो छुट्टी पर जब गया ना तो अरे करंट लाग गया और कुछ लाग गया तो पूरा डर हो, और जब झुंझुनू देखा 2-3 दिन पहले भी करंट से मर गया, कोई भी हादसा हो जाए कोई भी बड़ी घटना हो जाए लेकिन प्रशासन ने कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अवगत करवा दिया। अच्छा, कल कितो पड़ी इकट्ठे हुए खूब 4 महीने नहीं, ये देख रहे हो ना सामने। अच्छा ये पूरी पहाड़ी अरावली की पहाड़ है, आपको पानी अडिनार पे अडिनी साइड में काला। अच्छा, अड़ी का निकास वाली निकास की कोई जगह कौन छोड़ी ना, कोई निकास की जगह कौन छोड़ी क्योंकि आदर्श बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदर्श नगर पुंक हिंदी इंग्लिश मीडियम का को एजुकेशनल स्कूल जो पिछले 41 सालों से ग्रामीण क्षेत्र में दे रहा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम। आदर्श स्कूल के साथ सवारें अपने बच्चे का भविष्य, एडमिशन के लिए आज ही संपर्क करें। बहुत पुरानी पुल, राजा के टाइम की पुल, जो खेतड़ी में राजा था ना जसवंत सिंह उसकी टाइम की पुल थे जी, ये बात मान लो। और इस रोड से 3 फुट पानी अधिका आ गया तो रोड के पानी जा रहा था, बच्चे यहाँ स्कूल की छुट्टी हुई थी वो बच्चे यहाँ खत्म हो जाते करंट दौड़ कर, तो ये बात मान लो। फिर मकानों में पानी बढ़ गया था, इस बर्फ फैक्ट्री में पानी बढ़ गया था और 5 किलोमीटर तक का पानी आते आदि बबाई तक का पानी इधर है, इधर आता है लेकिन इसका निकास नहीं हो रहा है, निकास नहीं है, इसको बंद कर दिया था सर। तो फिर उस जब रोड बन रही थी तब तो आप लोगों ने हमने ऑफिस में उठाया उसको, क्या बोले ये पुल मेरे कागजों में नहीं है, तो कागजों में पुल नहीं तो इस रोड को बंद कर दो आप जी, जी इस रोड को बंद कर दो। तो देखिए एक बार मैं अंदर से आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ जिस प्रकार से हम बात करें कि ये बोल रहे कि इधर से पुल था और पुल ऐसे चार खाने थे उस पुल के अंदर और वो पानी जब पहाड़ी से पानी आता था तो वो अंदर से यहाँ से निकल जाता था और आगे बता रहे काला बुझा एक बांध है उसमें जाकर उसको स्टोरेज हो जाता था, लेकिन अब हालात ऐसी हो गई कि ये जो जगह बहुत कम है और जो पहाड़ी का पानी आता है और इधर आप देखेंगे कि ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ पानी इतना ज्यादा आ गया था, कल ग्रामीण कह रहे हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ ये भी डूबने की स्थिति में आ गया था, बड़ा खतरा हो सकता था, स्कूली बच्चे यहाँ से निकल गए थे। जो महिलाएं हैं जिनके मकान है एक बार उनसे बातचीत करना चाहेंगे, वो क्या कुछ कहेंगे इधर की स्थिति में एक बार आप देख सकते हैं, इधर से ये पानी निकलता है और मेरे को लगता है कि ये जो ये भी अवरुद्ध हो रहा होगा इसको अब खोला गया है जैसे कि मलबा बाहर पड़ा है वरना कल पानी का निकास यहाँ से हो जाता। माता जी राम राम। राम राम जी राम राम। मनोरी नाम है मेरा। क्या दिक्कत है मेरा मकान है बरगा पानी का सारा मकान है, मेरा आदमी को नहीं, मेरे 2 बेटा अभी भी गया। अच्छा। मेरा आदमी भी गया, मेरे कोई को नहीं, ससुरा मेरा ना, सासू मेरा ना, 3 बीनी है, 2 बीनी है मेरे का नहीं, एक मुँह छोटा छोटा बच्चा है, बुआ लेगी, एक बच्चा यो झबड़ो बच्चा यो यो की कमाई करे, मेरा मकान दूंगा मैं क्या मरहांगा, मेरे कोई को नहीं। अच्छा मकान में पानी जाएगी, पानी बड़को मकान हम बहुत भाई खड़े हुआ पानी
जो पहाड़ी को पानी आओ ठेठ पहाड़ी ताई कोड़ी को पानी आओ और पहले कड़ी के निकलतो पहले ई पुलिया तलो को निकलतो अरे पुल बनाएड होगी पहले पुल हो और आपको नहीं अब ढा दियो रोड बनाए ना ढा दियो हां रोड बनाए ना ढा दियो और पाछे कमाने बगी दिया डंफर माटी का मैं बली यो पुलियो है कदी नो 60 साल में नोगी जब पहला को पुलियो है तो मैं कोई पुलिया ने बंद मना करो अया बलियो खयो इका तो कागदी को ने खयो अच्छा और ये पुलियान पे बंद करगा बंद कर गाएगा जिसको की वो पहाड़ी को पानी आओ वो अड़केड़ी नहीं रहे थार का हां अड़ी नहीं रहे जा जर मेरा पानी बंद मकान हम जाए न पंगा मकान हम जा जर मेरा पानी को नल को तो बने भी पहाड़ का और मकड़ी तो पानी पर बा जाऊं और कड़े मेरा टाबरन पाड़ो क्या मरो ढूंढा मेरा ढूंढूंगा मेरा कोई को नहीं आगे पाछे बिल्कुल तो देखिए कि विधवा मां ने ये अपील की है सही बात है तीन सासू विधवा हमें देखो बड़ी दुखद ये बात है कि तीन मतलब दो बेटे की बहू बेटे भी आप खत्म हो गए बेटा भी खत्म होगा वांगो बाप भी खत्म हो गो छोटा छोटा टाबा भगवान ऐसी परेशानी तो किसी को ना दे और उसके बाद समस्या पूरी जीवन भर समस्या मिली लेकिन उसके बाद भी समस्या ये है कि ये जो मैं बात करूँ तो अवरुद्ध होने के कारण यहाँ जो पानी है वो पानी इनके घरों में चला गया मैं दिखाऊंगा एक बार दिखाइएगा ये इधर इनके मकान है वो पानी इनके मकानों में चला जाता है जिनसे बहुत बड़ी हालत यहाँ पे हो जाती है और पानी इतने वेग से आता है कि पहाड़ी है सामने आप देख रहे हैं पहाड़ी से पानी आता है वेग से आता है रफ्तार से आता है और फिर यहाँ आकर इनके मकानों में वो विकराल रूप धारण कर लेता है कितों पानी पर गोदा दिमा बोलो पानी पर गोड़िया पानी आगो मारे हैं अच्छा हाँ पा देखो वो काटो खोद का ने वो बड़ी को पानी तो बड़ी कर काटियो अरे ऊपर ने चढ़ गो खेतों में पानी ऊपर ताई चढ़ गो और इको मालो कर पानी आगो रोड का है अब वो तो आवे तो आवे अब आगे ऊपर चढ़ गो अपन का जो ठेकेदार है जिन्होंने सड़क का निर्माण किया पहले ये ग्रामीण कह रहे हैं कि पहले ठिकानों के समय से यहाँ पे पुल बनाया हुआ था जिसमें पानी था वो पहाड़ी से आता और उसका निकास हो जाता था लेकिन अब वो पुल है जो बनाया नहीं गया जिसके कारण ऐसी हालात हो गई है और अभी तो ये पहली बारिश की शुरुआत ही हुई है धीरे धीरे बारिश और आएगी ज्यादा आएगी मानसून भी आएगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे अच्छा एक बार मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा इसका देखिए ग्रामीण बोल रहे हैं कि ठिकानों के समय से ये पुल यहाँ पे था और इसमें ऐसे एक दो और तीन थे क्या नल के चार एक तो ये यहाँ पर चार थे जो राजा जसवंत सिंह था ना उसकी टाइम की पुल है ये जी उनकी बनाई हुई पुल है ये बहुत पुरानी पुल है अच्छा और हमने और अभी अभी ठेकेदार क्या बोलते हैं ठेकेदार ये कहते हैं हमारे कागजों में ये तो आपके कागजों में इसको बंद कर दो ना इस रोड को बंद कर दो ये तो कागजों में है नहीं आपकी रोड को बंद कर दो इसको जी जी और देखो रजवाड़े के समय से कह रहे हैं कि यहाँ पे पुल था और यहाँ से पानी का निकास होता था अब निकास नहीं होने के कारण जो पीछे के लोग हैं घर मकान है उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई है जो ठेकेदार है वो इस मामले को संज्ञान में ले रही है सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो अधिकारी है वो इस मामले को संज्ञान में ले ये लोग बहुत बड़ी परेशानी में है कल पानी इतना ज्यादा आ गया कि ट्रांसफार्मर पानी के बराबर आ गया था पानी ट्रांसफार्मर के तो वहाँ करंट दौड़ सकता है कोई बड़ी घटना हो सकती है तो समय रहते समस्या का समाधान करना चाहिए इन लोगों ने विरोध प्रदर्शन जताया है कल कोई बड़ी घटना ना घटित हो जाए कोई अनहोनी नहीं हो जाए इससे पहले जो भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं ठेकेदार हैं जो भी हैं वो इस मामले को संज्ञान लेकर जनप्रतिनिधि हैं इन लोगों की समस्या का समाधान करें खेतरी उपखंड के ग्राम पंचायत पपूर्णा करमाड़ी से मैं आपको लाइव रिपोर्ट दिखा रहा था जय हिंद जय भारत।